बिना कड़वाहट के ये हमारे करेले बनके तैयार हैं। फ्रेंड्स, ऐसे करेले बनाने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और ये बिल्कुल बिना कड़वाहट के बनके तैयार हुए हैं हमारे करेले। मैंने पहले भी वीडियो इस तरह की बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ ही समय में और कुछ ही सामान से ये हमारे करेले बनके परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने ये करेले लिए हैं, लंबे वाले करेले हैं, तो हम इन्हें काट के बनाएंगे। इनको मैंने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इनका छिलका उतार के इनको गोल गोल शेप में काट लेंगे। इस तरह से हमने करेलों को छील लिया है। अब हम इनको काटेंगे गोल गोल शेप में, इस तरह से, ना पतला ना मोटा। और देखिए, बिल्कुल भी इसमें बीज नहीं है, कच्चा है बिल्कुल करेले। इसी तरीके से मार्केट से लाएं, बिल्कुल ये बनकर बहुत अच्छे लगते हैं। सभी करेलों को हमने इस तरह से गोल शेप में काट लिया है। और जो अगर हमारे करेले में थोड़े से बीज निकले थे मोटे मोटे से, तो हमने निकाल लिए हैं इस तरह से। ये पके हुए बीज हैं, तो इनको ना डालें, इनको हटा दें, क्योंकि कड़कड़ बजते हैं दांतों में तो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। अब हम इस पे नमक डालकर आधे घंटे के लिए इनको छिड़क के रख देंगे नमक को। करेले हम आधे घंटे बाद देखेंगे, ये पानी काफ़ी छोड़ देंगे। नमक डालने से काफ़ी पानी निकल जाएगा इसका। ये बिना कड़वाहट के हमारे करेले बनकर तैयार होंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। एक किलो करेले के लिए मैंने 1 किलो प्याज ली है। इनको हम छीलकर काट लेंगे लंबी लंबी स्लाइस में। प्याज को हमने छीलकर इस तरह से लंबी स्लाइस में कट कर लिया है। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको अच्छा सुनहरा होने तक पकने देंगे प्याज को। प्याज का कलर चेंज होने लग गया है, हमें थोड़ा सा और करना है प्याज को। ये देखिए, करेले हमने निचोड़ लिए हैं नमक वाले, जो नमक का पानी था वो हमने अलग रख दिया है। और देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं और कितने से हो गए हैं ये करेले अब हमारे। आप चाहे तो इन्हें धो सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही इनको बना सकते हैं, क्योंकि हमने तो पहले से ही इनको धो लिया था और एक्स्ट्रा नमक हमने निकाल दिया है निचोड़ कर। तो हम ऐसे ही इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। आप सारा तेल निचोड़ के हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। प्याज हमने निकाल ली है, अब हम इस ऑयल में करेले डाल देंगे। गैस को मीडियम रखें, मीडियम आंच पे ही इसको करेलों को पकाएं। इन्हें भी हम सुनहरा होने तक पकाएंगे करेलों को। आधे करेले मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, जितने आपके एक बार में आए इतने डाल के इनको सुनहरा होने दें, आधे हम बाद में करेंगे। करेले देखिए फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से करने हैं आपको, हल्के सुनहरे। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो कड़े कड़े लगेंगे और कड़वे से लगेंगे। अब हम दूसरी बार करेलों को करेंगे, दूसरे जो बचे थे उनको भी हम इस तरह से ही सुनहरे कर लेंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें हल्की सी जगह बना देंगे, ऑयल है इसमें, देखिए ऑयल है इसमें, तो ऑयल को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ऑयल ये हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया है, ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ा है इसके अंदर, जिससे हम मसाले हमारे भुन जाएं। मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ और सौंफ डाल देंगे हम। सौंफ को भी अच्छे से चटकने देंगे। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, 1/4 हल्दी डाली है हमने, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा हमने 1/4 नमक डाला है, हल्का सा, क्योंकि इसमें प्याज भी डलेगी तो नमक हमारा एडजस्ट हो जाए।
अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे और जो बाकी का हमारा सामान है प्याज और करेले जो हमने रखे थे ये, इन्हें भी हम इसके अंदर डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। तो देखिए मसाले इस पर कोट हो चुके हैं, इतना अच्छा कलर आया है इनका। ये बिना कड़वाहट के हमारे करेले बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें खटाई डाल देंगे, आमचूर पाउडर। आपके पास कच्ची कैरी है तो उसको आप डाल दें, और मेरे पास तो नहीं है तो इसलिए मैंने आमचूर पाउडर डाला है, इससे खटास आएगी अच्छी। और अगर ये भी नहीं है तो आप आधा नींबू डाल सकते हैं इसमें। फ्रेंड्स, इसको आप एक हफ्ते तक रख सकते हैं करेलों को फ्रिज में, और आराम से इन्हें खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। आप इनको पराठे के साथ, पूरी के साथ खा के इंजॉय करें। ये देखिए परफेक्ट करेले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। गैस को कर देंगे ऑफ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।